न्यूज एसपी नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में ज्ञान वापी और श्रृंगार गौरी मामले पर जिला अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी पोषणीयता मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि इस मुकदमे की सुनवाई जरूर होगी। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने कहा वाराणसी ज्ञान वापी परिसर को लेकर दायर मुकदमा नंबर 693/2021-18/2022 राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है। वह निर्धारित करते हुए प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतमाजिया मस्जिद कमेटी के द्वारा दिए गए 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इसके अलावा अदालत ने कहा कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर 2022 को होगी। फैसले में अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। मिली जानकारी के बाद मुस्लिम पक्ष अब हाई कोर्ट जाएगा। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने जब फैसला सुनाया तब हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन इस दौरान मौजूद थे। इसके अलावा पांचवादी महिलाओं में से 3 लक्ष्मी देवी, रेखा आर्य और मंजू व्यास पहुंची। राखी सिंह और सीता साहू नहीं आई। कोर्ट रूम में पक्षकारों व उनके वकीलों के कुल करीब 40 लोगों को ही एंट्री मिली। कोर्ट रूम में से 50 कदम दूर ही बाकी लोगों की एंट्री रोकी गई थी। इसी बीच मुकदमे में पांचों महिलाओं ने मांग की थी कि ज्ञान वापी परिसर स्थित माँ श्रृंगार गौरी के मंदिर में नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मिले। ज्ञान वापी परिषद में अन्य देवी देवताओं के विग्रह की सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम है। इस याचिका पर 23 अगस्त की सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब बता दें इसी बीच यहाँ पर अगली सुनवाई जो है वो 22 सितंबर को होगी। अब देखना ये होगा कि सुनवाई के दौरान क्या फैसला होता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।